హైదరాబాద్ లో జరిగిన శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర సందర్భంగా హైదరాబాద్ సిద్దంబర్ బజార్ ప్రధాన రోడ్ లోని మసీదు వద్ద హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి మాధవీలత వ్యవహరించిన తీరు అత్యంత అభ్యంతరకరంగా ఉందని హైదరాబాద్ సిట్టింగ్ ఎంపీ అజిదుద్దీన్ ఓవైసీ మండిపడ్డారు. ఎన్నికల కమిషన్తో పాటు రిటర్నింగ్ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. గత 15 ఏళ్లుగా ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉన్న హైదరాబాద్ నగరాన్ని బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్లు ఖరాబ్ చేస్తున్నారన్నారు. ఇదేనా మోడీ సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటూ ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మత సామరస్యాన్ని పాటించే తెలంగాణలో బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్లు మత విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతున్నారని ఇది మంచి పద్ధతి కాదన్నారు. హైదరాబాద్ కే అమన్ కే లియే బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ సే ఖతరా హై ఔర్ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాలే ఏక్ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్ కే సామ్నే ఇస్ తరహ సే వల్గర్ అగ్రెసివ్ యాక్షన్ కర్తే జో ఆప్ లోగా నహీ చలా రహే. अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग यहाँ ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डाल देते. एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोएक्टिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को ख़राब करेगी, पीस को ख़राब करेगी. मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और ख़ासतौर से यूथ से अपील कर रहा हूँ. हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है ये बीजेपी आरएसएस, तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं. तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस ज़रूरी है और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है ये कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते. आप हैदराबाद को अमन को ख़राब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या हैं, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में. तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए. हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में, क्यों है, अमन है यहाँ पर. और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहीं होगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को. कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप. तो क्या है आपका, क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में. अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है मगर चुनाव से बड़ी चीज़ हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग ख़राब करना चाहते हैं उसको. मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है.